एज अ हॉबीइस्ट ना हम लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। हमें चाहिए होता है एक फिश, दुकान में जाते हैं ये फिश चाहिए हमें, बस वो फिश के लिए क्या चाहिए सोचते ही नहीं है। एंड शॉपकीपर ये बात जानते हैं, वो लोग भी सोचते नहीं है कि फिश को क्या चाहिए, और आपको मिलता है बीमार फिश, है कि नहीं। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक फ्लावरन है शॉप में जो बहुत बीमार था 15-20 दिन पहले, बहुत ही बीमार था। मेरे दोस्त मोइस भाई, बबल्स एंड ट्रबल्स करके कंपनी है, उसका ओनर है, उन्होंने वो फिश देखा, वापस अपने वहां लेके गए और उन्होंने क्योर किया। बबल्स एंड ट्रबल्स जो है एक इंडियन कंपनी है, इंडियन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं या इंडिया में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, विच आर वेरी वेरी गुड एंड हाई स्टैंडर्ड्स, आपके जितने भी सीकेएम या एपीआई उससे भी बेटर है मेरे हिसाब से, बट प्रूफ चाहिए ना बॉस। सो मैंने मोहिश भाई से पूछा कि मेरे को प्रूफ दो, तो उन्होंने ये फ्लावरन का पूरा वीडियो मेरे को दिखाया कि कैसे क्योर हुआ। वो वीडियो आप भी देखोगे, एंड ऑफकोर्स इंटरेस्टिंगली मोहिश भाई भी यहां पे है तो उनसे भी बात करेंगे, राइट। नाउ शायद ही ऐसा एक वीडियो जहां पे एक फिश, इतना बीमार फिश पूरा क्योर हो जाता है, शायद ही मैंने देखा है। इंडियन वीडियो ऐसा देखा नहीं है, तो हो सकता है ये फर्स्ट है। एंड इंटरेस्टिंग है, सो आपको तो लाइक बजाना है ना, और लाइक उस फ्लावरन के लिए, मेरे लिए नहीं, जो इतना ताकतवर है। ठीक है, सर्वाइवल जो बोलते हैं ना, उसके अंदर इतना है भरा हुआ है, वो हार नहीं माना, और जितना शिद्दत से मोइस भाई ने उसको क्योर करने की वो ठान ली थी, उतना सपोर्ट उसने भी किया मोइस भाई को ठीक होने के लिए। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजेदार स्टोरी है। आप लाइक बजाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मजा लो और हमें भी मजा दो यार। सो फटाफट मोइस भाई को बुलाते हैं, थोड़ा बहुत बबल्स एंड ट्रबल्स के बारे में समझेंगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली ये फ्लावरन का क्योर के बारे में समझने वाले हैं। एंड मेरा जो मानना है कि ज्यादातर फ्लावरन या कोई भी फिश को किसी भी तरह केमिकल्स नहीं डालना चाहिए, ये भी मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं कि केमिकल्स डालते हैं कि मेडिसिन डालते हैं, पता करना है ना। चलो मोइस भाई को बुलाते हैं। सो ये मोइस भाई है, मोइस भाई बबल्स एंड ट्रबल्स करके एक कंपनी है, अभी हाल ही में नहीं बोल सकता हूं, बट ऑलमोस्ट एक 2 साल हो गया लॉन्च होके, 2019 से इंडिया में अवेलेबल है। इंडियन प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया से लेते हैं लेकिन इंडिया में बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना सर। अच्छी चीज कहीं से भी ले लो, इंडिया में बनाओ। ओके, मोइस भाई का जो प्रोडक्ट है बहुत यूनिक है, एंड हो सकता है कभी उनका फैक्ट्री में भी जाएंगे एंड उनके प्रोडक्ट्स में भी संक्षेप में बात करेंगे या डिटेल में बात करेंगे, बट दैट्स अनदर डे। मेरे को ये फ्लावरन का जो आपने दिखाया, मेरे को इसके बारे में जानना है सर। सो पहले तो ये जो फ्लावरन है इतना बीमार है, ये एक दुकान में था? यस, और ये हमने उसको वहां देखा। ओके, और दैट इज द मोमेंट हम डिसाइड किए कि नहीं, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, और यहाँ पे अगर रहा कुछ और दिन तो ये अभी मर जाएगा। ओके, तो स्टोर वाला से, स्टोर ओनर को पूछा कि भाई आपका मच्छी एक बीमार है, आप क्या कर रहे हो? तो बोलते सर हीटर लगाया है, पानी बदल रहे, ब्लू लिक्विड या कुछ बोल रहे कि वो डाल रहे हैं। मैं बोला नहीं होगा, बोला आप एक काम करिए, मच्छी मुझे बेच दो, आई वॉन्ट टू बाई दिस फिश। तो वो बोलते नहीं नहीं सर, ये तो बीमार है। बोला नहीं, जो भी है जितने में बेच रहे हो मैं लेने रेडी हूँ, ऐसे ही जैसा है वैसे। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं आप ऐसे ही लेके जाओ। तो बोला मैं लेके जाऊंगा मगर मैं रिटर्न नहीं करूंगा। बोला क्योंकि ये ठीक करूंगा इसको, एंड आई विल गिव इट टू समबडी हु विल टेक केयर ऑफ। टेक केयर, यस यस। नाउ मोइस भाई, ये हमेशा हमारे व्यूअर्स के लिए भी क्वेश्चन रहता है, मुझे भी हमेशा ये क्वेश्चन है कि
ये जो ब्लू मेडिसिन, येलो मेडिसिन, ये सब बेचते हैं दुकानों में, सॉरी उसको मेडिसिन बोल सकते हैं क्या? नो, यू कांट एक्चुअली कॉल इट अ मेडिसिन. वो केमिकल होता है, लिक्विड होता है. ओके, ओके. सो ब्लू लिक्विड या येलो लिक्विड जो दुकानों में बेचते हैं, ये जरूरी है क्या? सर जरूरी नहीं है, मगर सालों से लोग कोई घर में बना रहा है, बेच रहे, लोग यूज कर रहे, हो रहा है नहीं हो रहा है आई एम नॉट श्योर कि कोई जस्टिफाई हमको आके करेगा या हमको कोई थियोरिटिकल प्रूफ है इसके ऊपर कि भाई इससे ट्रीटमेंट होता है. बट यस, चल रहा है मार्केट में, लोग खरीद भी रहे, क्योंकि लोग खरीद रहे उसके लिए बेच रहे. करेक्ट. सो यही मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, हम लोग थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं. हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे फिश के लिए कितना साइज का टैंक चाहिए, फिल्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, ये मेडिसिन डाले नहीं डाले. जानकारी अगर आपके पास सही हो तो देन शॉपकीपर अपने आप को एजुकेट कर ही लेगा जी. हम लोग इजी वे आउट सोचते हैं कि हाँ शॉपकीपर ने बोला तो हमने डाल दिया, गलती उसका है, हम कुछ नहीं करते. दूसरा एक चीज सर ऐसा हो जाता ना कि लोग शॉपकीपर का सेटअप देख के वो सोचते हैं कि हाँ हम भी इतने सेटअप में रख सकते हैं. बट ये भूल जाते हैं कि शॉपकीपर रोज नया मछली डाल रहा है वहां पे बेच के. उसका फोकस है ना कि भाई वीकली उसका स्टॉक आप देखेंगे तो वो अपडेट होता है, वीकली उसके उसकी मच्छी आती है जाती है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता. हमको एक छोटे बच्चे को बड़ा करना है. नाउ आप ये फ्लारॉन को वापस ले गए जी. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, ये एक 15-20 दिन पहले की बात है. थ्री वीक्स ओके, 3 हफ्ते पहले की बात है. सो आप ये लेके गए अपने ऑफिस में लेके गए. यस. और आप अपने टैंक में डाला जी. ओके. एंड इसमें आपको पहले नजर में शॉप में या आपके ऑफिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स नजर आए? सबसे क्रिटिकल बात होता कि पहले तो उसमें जान ही नहीं बच रही थी. ऑलमोस्ट वो एक साइड पे लेटा था, दिखता है वीडियो में, दिखता है उसका हेड पूरा अंदर चले गया था, उसका बेली ऑलमोस्ट इट वाज जस्ट जैसे बोल सकते बस वो संकन बेली चिपकने के लेवल पे था. तो उसको देख के तो इमीडिएटली पता चला था कि उसको 2-3 प्रॉब्लम है. एक इंटरनल उसको पैरासाइट 100% था, उसके गिल्स में भी इश्यूज थे, गिल में भी इश्यूज, क्योंकि आप देखेंगे तो उसके गिल्स पूरे रेड हो गए. हाँ. तो उसमें वो व्हाइट कलर का उसके गिल्स के अंदर आप देख सकते हो माइक्रो बैक्टीरिया बाहर. हाँ. वो कभी कभी हो जाता है व्हाइटिश. दैट इज द टाइम व्हेन हमें पता था कि अगर ये और 2-3 दिन यहाँ रहा और यही इतने छोटे से टैंक के अंदर और ये चीज के अंदर तो ये नहीं सर्वाइव करेगा. नो मोहित भाई, एक तो ये फिश का था, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. आपने कहा कि इसके गिल्स में माइक्रोबैक्टीरिया था, इंटरनल पैरासाइट था, तो मतलब वो दुकान के शॉप के पानी में, बिकॉज वो कॉमन टैंक था राइट, और बाकी और भी फिश थे, तो बाकी फिश बीमार होने के चांसेस कितना थे? सर देर इज अगर सेम वाटर फ्लो सब में हो रहा है तो 90% चांसेस है कि भाई द बैक्टीरिया मूव विद द वाटर कॉलर. ओके, ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे बिकॉज मैं ये पॉइंट पे वापस आने वाला हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में. बट पहले फ्लारॉन का देखते हैं बिकॉज वो बहुत ही बीमार है, इंटरनल पैरासाइट है, हेड पूरा श्रंक है, पूरा काला हो गया है, माइक्रो बैक्टीरिया है गिल्स में, नाउ इश्यूज है. आईज आर ऑल्सो वाइट, आईज आर वाइट पूरा, हाँ, क्लाउडी आईज जो हम बोलते हैं. एक और इंपॉर्टेंट बात बताइए कि ये प्रॉब्लम होते क्यों है? सर शुरू तो ये वॉटर कॉलम से होते हैं, वाटर क्वालिटी, जो वाटर क्वालिटी होता है. फिर उसको आप छोटी जगह में रखो, आप एक तो फ्लावर ऑन 90% अगर हम देखेंगे तो ये आते बाहर से, तो ये साइड ठोकते रहते हैं. नो बडी कैन से कि भाई ये कितने टाइम बैग में था आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के साथ. इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम किसी एक को पिन पॉइंट करके बोले कि भाई ये इसकी गलती है. हो सकता है कि भाई ट्रांजिट में डिले हो, पूरा लाइन जहां से वो आया है तब से या वहां से भी जहां पे वो ग्रो हुआ, ब्रीड हुआ, वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकता है. यस, 50% चांसेस होते कि वो वहां से भी पैरासाइट लेके आते, फिर यहाँ पे क्वारंटाइनिंग जिसने इंपोर्ट किया, अगर क्वारंटाइन हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है, जल्दी में दे दिया है, तो भी कभी कभी कैसा होता है कि नॉर्मल ट्रांजिट आवर्स 24 आवर्स होते हैं, कभी एक्सटेंड होकर 72 आवर्स तक चले जाते हैं. सो हॉबीस्ट को एक शॉप में, मैं हमेशा बोल चुका हूं कि जब आप फिश खरीदने जाते पहले तो देखो कि दुकान साफ है, फिर उनका पानी साफ है, टैंक में पानी साफ है, चेंज हो रहा है, ठीक है, फिश अच्छे से मूव हो रहा है, उसका फिन्स पूरे हैं, कलर अच्छा है. यस, दैट्स द फर्स्ट स्टार्ट. ओके, नाउ वापस हमारे फ्लारॉन भाई साहब के साथ आते हैं. ओके, आपने कहा कि ये सब
बैक्टीरियल इश्यू है, ओके, वाटर कॉलम के वजह से इसको प्रॉब्लम हो सकता है. फ्लारन इज ऑल्सो अ मैनमेड फिश, ओके, कुदरती नहीं है, कोई रिवर में मिलता नहीं है, इंसान का जेनेटिकली मॉडिफाइड या सेलेक्टिव ब्रीडिंग के वजह से बनता है. इसमें जो फार्म्स है जहां से हमारे शॉपकीपर्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, वो लोग फार्म्स में कितना स्टेरॉइड यूज करते हैं सर? सर नॉर्मली फिश को इतना जल्दी कलर आता नहीं है, बट यस उनके फूड में स्टेरॉइड होता है, कोई वाटर कॉलम्स के अंदर स्टेरॉइड इंड्यूस करके बड़ा करते हैं, कोई अपने फूड के अंदर मिक्स करके बड़ा करते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई कितना परसेंट डालते हैं, बट यस होता 100% होता तो है जी. ठीक है, स्टेरॉइड्स वो चीज है जो सी हमारे बॉडीज में स्टेरॉइड्स है जो बॉडी के लिए जरूरी है, यस, लेकिन जब एडिशनली एड करते हैं तो देन बॉडी में इंबैलेंस हो सकता है. राइट, ये लोग ऐड करते हैं हेड बड़ा करने के लिए, कलर ज्यादा बढ़ाने के लिए, लेकिन फिश का हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? इट शॉर्टन्स द लाइफ ऑफ द फिश. सी हमारा जो शेरू भाई का वीडियो हमने बनाया था और यही बात हमने डिस्कस भी किया था कि स्टेरॉइड ज्यादा डालने से फिश का लाइफ कम हो जाता है, वो हेड और कलर के चक्कर में आप फिश का लाइफ खराब कर रहे. राइट, नो हमारे ये जो बीमार भाई साहब है, आपने उसको क्योर करने के लिए फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया सर? फर्स्ट वी गिव हिम अ बोल सकते हैं उसको जितने टैंक की साइज थी, उसको 3 फुट का टैंक दिया और उसको उसमें पहले सेटल किया, लाके अक्लेमेटाइजेशन जो प्रोसीजर होता है उसको डाला, देन इमीडिएटली वी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट. बट अभी ऐसा था कि उसको मल्टीपल इश्यूज थे और हम एक साथ में उसको सब कुछ नहीं दे सकते. सर यहाँ पे एक मैं आपको रोकता हूं, एक साथ में सब कुछ नहीं दे सकते. हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मछली बीमार होता है एंड वो दुकान वाले भाई साहब बोलते हैं कि ब्लू मेडिसिन डालो, कोई और भाई साहब बोलते हैं कि सॉल्ट डालो, मैं ही बोलता हूं ज्यादातर सॉल्ट डालो, नमक डालो, एंड और तीसरा कोई डालता है कि दूसरा और मेडिसिन डालो, वो ह्यूमन मेडिसिन, हाँ, मेट्रोजेल ये वो वगैरह बोल देते हैं, ये सब साथ में डाल देते हैं. राइट, और फिश का बैंड बच जाता है. पॉइंट वो है सर. सो ये आपने डिसाइड किया कि आप सब मेडिसिन साथ में नहीं डाल सकते, तो पहले कौन सा प्रॉब्लम क्योर किया? वी स्टार्टेड विद द इंटरनल प्रॉब्लम फर्स्ट. क्यों? क्योंकि अभी सर ऐसा था ना कि उसको वो बहुत ज्यादा वीक था और उसको पहले इंटरनली हमको केयर करना था कि उसको थोड़ा स्ट्रेंथ था कि वो कड़ा हो या वो फीडिंग ले, खाना खाए, वेरी इंपॉर्टेंट. और वो ऑलरेडी 10 दिन से उसने खाना नहीं खाया था, तो छोटा सा मच्छी है, 10 दिन से भूखा था, तो ऑलरेडी हमें समझ आया था कि भाई वो अंदर से अभी वो ज्यादा प्रॉब्लम है. तो वी स्टार्टेड द इंटरनल पैरासाइट ट्रीटमेंट, तो हमने मेट्रोकेयर से उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट किया. मैं आपको ये पॉइंट पे वापस आऊंगा. मेट्रोकेयर क्या है सर? आपका बबल्स एंड ट्रबल्स का प्रोडक्ट है मेट्रोकेयर, ओके, यस. सो वो प्रोडक्ट बेसिकली इंटरनल पैरासाइट और इन्फेक्शन के लिए, जो नॉर्मली आप गलत खाना भी खिलाओगे, जो व्हाइट पूप और जो होता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक. सर ये मेट्रोकेयर में होता क्या है सर? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स बट स्पेसिफिकली बनाया गया है फिश के लिए. सी नाउ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं व्यूअर्स के साथ हमेशा बोलता रहता हूँ कि केमिकल्स ना यूज करें, केमिकल्स यूज ना करें. सी मैं बट यहाँ पे जब आप केमिकल बोलते हो तो थोड़ा डर लगने लगता है सर, बिकॉज सी ये आपके प्रोडक्ट या किसी और की वजह से नहीं है. बबल्स एंड ट्रबल्स प्रोडक्ट मैंने काफी जगह पे यूज किया है, काफी सीरियस केसेस पे यूज किया है, एंड मैं मानता हूं कि आज के डेट में इट इज इवन बेटर देन ये पीमाफिक्स मेलाफिक्स, उससे भी एंड सीकेम का काफी मेडिसिन से भी बेटर है, यूजर फ्रेंडली है, हम लोग समझ सकते हैं, ये मेरा मानना है. बट पॉइंट इज केमिकल जब आप बोलते हो ना तो डर लगता है. अभी आप केमिकल बोलते सर, अब नॉर्मल प्रोसीन ले लो, डोलो ले लो, अभी आपके पास कोविड में कोई ट्रीटमेंट नहीं था, डॉक्टर बोलता है पैरासिटामोल डोलो ले, डोलो ले, व्हाट इज डोलो? डोलो इज पैरासिटामोल डाइक्लोफेनाक, हां दैट्स आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स. केमिकल ही है सर, केमिकल है, हां. सो बस वैसे ही हमारे सिंपल कॉम्बिनेशन लाइटर फॉर्म्स है कि भाई जो एक्चुअली एनिमल के लिए और वो फिश ओरिएंटेड ही है, तो उस वैसे वो सब ऐसे करके हमने उसको डिजाइन करके बनाया. ये एक्चुअली वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो केमिकल आप बोल रहे हो, वो जो बॉन्ड है, यू नो जब मल्टीपल केमिकल्स जुड़ते हैं साथ में वो बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, ओके, एंड ये मेडिसिनल हो जाता है जी जब सही तरीके से यूज किया जाए. सो वी डोंट से कि वी आर सेलिंग केमिकल प्रोडक्ट्स,
वी हैव ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन। सो पहले हमने बबल्स एंड ट्रबल्स का मेट्रोकेयर यूज किया जी, ओके, एंड हमने इंटरनल पैरासाइट क्योर किया, right. ये क्या डोसेज में यूज किया और कितने दिन के लिए यूज किया सर? ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्टेड विद मेट्रोकेयर और एक्वेरियम सॉल्ट। सो मेट्रोकेयर हमारा डोजेज नॉर्मली हमारा डोजेज है 1 ml फॉर 16 लीटर्स। सो एज पर द 3 फीट बाय 320 फॉर 18 का जो हमारा टैंक था, तो हाफ टैंक के वॉल्यूम के हिसाब से हमने वो कैलकुलेट करके उतना सा डोजेज डाला 16 लीटर्स के हिसाब 1:16 के रेशियो से, एंड सॉल्ट वी पुट 10 ग्राम। सी एक्वेरियम सॉल्ट जो आप दे रहे हो और नॉर्मल घर का जो रॉक सॉल्ट है उसमें क्या फर्क है? एक्वेरियम सॉल्ट में करेक्ट मिनरल्स जो फिश के लिए हेल्प होगा, yes. जो ऑस्मोसिस से बॉडी में लेगा, ठीक है, वगैरह सेम कॉम्बिनेशन जो एक्चुअल आपके रिवर के अंदर जो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट होता है, तो उसमें जो भी आपके सॉल्ट है वही ब्लेंड से हमने बनाया। आइदर इट इज अ वेरी स्मॉल रेशियो और द मेजर रेशियो, बट दोस कंपोनेंट्स आर देयर। ओके, सो द राइट इंग्रेडिएंट। सो नाउ अभी ये जो इंटरनल पैरासाइट का क्योर है हमारे भाई साहब के लिए, ये छोटे से फ्लावरन के लिए कितना दिन आपने चला? 7 दिन चला। 7 दिन, 7 days। नाउ सी, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेशेंस होना जरूरी है, ठीक है, यू हैव टू बी पेशेंट। आज मेडिसिन डाला, कल रिपेयरिंग नहीं हो जाता है, कल रिपेयरिंग इज अ वेरी मैकेनिकल वर्ड, बट ठीक नहीं हो जाता है, ठीक है, ठीक नहीं हो जाता है, नहीं, यू नीड पेशेंस, टाइम लगता है। सर पेशेंस के साथ आपको आपका भी डेडिकेशन लगता है, जितना डेडिकेशन डेडिकेटिंगली वो चाहता है जीने का, यू हैव टू डू वॉटर चेंजेस, जस्टिस यू हैव टू डू वॉटर चेंजेस, आपको जो उसको टैंक के लिए वॉटर कॉलम को पैरामीटर मेंटेन करना है वो आपको मेंटेन करना है और आपको वो रूट फॉलो करना ही है। सी, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली सर, वॉटर चेंजेस आपने रोज किया, डेली कितना किया सर? 50% 50% ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम, 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, एंड देन और रीडोज किया, जो भी पानी हमने नया डाला उसमें हमने वापस से डोजेज किया मेडिसिन का। नहीं, बट आपने वॉटर चेंज करने के बाद डोजेज मेडिसिन डाला ताकि नया पानी में भी वो मेडिसिन हो। जी, वॉटर चेंज करने के बाद डालना है मेडिसिन, यस, राइट, यस, ओके। नाउ ये बात बोलने की जरूरत नहीं है कि आप जो पानी निकाल रहे हो, आपको नया पानी डाल रहे हो, वो सेम टेम्परेचर होना चाहिए, पानी में क्लोरीन नहीं होना चाहिए, ये सब रोज की बातें हम रोज बोलते हैं। व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? अभी ये 7 दिन में, अब ये जो पॉइंट आप जो सबको बताते हो ना सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपके वॉटर पैरामीटर और एक वॉटर को कंडीशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सही, कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, ओके, सो अभी ये 7 दिन में क्या चेंज दिखा सर आपको? वी सॉ लॉट ऑफ वाइट फ्रेगमेंट कमिंग आउट फ्रॉम हिज पूप, और जो भी इंटरनल पैरासाइट था वो बाहर आ रहा, और थोड़ा वो पहले दिन लेटा था, थोड़ा फिर कॉर्नर्स देके मूव होना स्टार्ट हुआ, तो वो जैसा वो स्टार्ट हुआ तो हमने फिर वो स्विच करके वी स्टार्टेड ट्रीटिंग हिज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि वो अभी क्या कर रहा था कि उसमें थोड़ा ताकत आया तो अपने आप को घिस रहा था। सो बेसिकली 7 दिन में ये भाई साहब थोड़ा घूमने लगे थे, मूव करने लगे थे, खाना खा रहे थे? नहीं, स्टिल अभी भी खाना नहीं खा रहे थे 7 days, ओके, फाइनली बिकॉज थोड़ा बहुत ताकत आया, पेट वगैरह साफ हुआ, डाइजेस्टिव ट्रैक साफ हुआ, गट साफ हुआ, कचरा वो सब निकल गया, yes. फिर ये थोड़ा थोड़ा करके वो अपना वो इन्फेक्शन के ऊपर आपने ध्यान दिया, बिकॉज ये अपने आपको घिस रहे थे, साइड में घिस रहे थे, right. इन्फेक्शन के ऊपर, इन्फेक्शन के लिए आपने क्या यूज किया सर? हमारे प्रोडक्ट है फॉर गिल फ्लूक्स, जो खाली फ्लूक्स को ट्रीट करने के लिए होता है, और एक्सटर्नल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, इट्स कॉल्ड बैक्टीरिया कंट्रोल, ओके, तो वो और हमने नेचर केयर के साथ यूज किया। बेसिकली नेचर केयर इज अ प्रोडक्ट विच इज गॉट जो फिश को स्ट्रेस रिलीव करता है, उसका स्लाइम एनहेंस करने को हेल्प करता है, क्योंकि स्लाइम एक मच्छी के बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उसका इम्यूनिटी बढ़ाता है, बिकॉज सिक होने के वजह से वो बॉडी पूरा ड्राई हो जाता है, दे लूज द स्लाइम, यस यस। सो यहाँ पे 2 नए प्रोडक्ट ऐड हुए 7 दिन बाद, यस। नाउ अभी आपने पहला वाला 2 चीज आपने स्टॉप कर दिया, यस, सॉल्ट कंटिन्यू, यस, ऑन अ डेली बेसिस टिल वी आर डूइंग वॉटर चेंजेस 50% डेली, अभी भी कर रहे हैं, यस, ओके, 15-20 दिन बाद भी हो रहा है, बट ये बीच में इन्फेक्शन क्योर करने के लिए उन्होंने यूज किया था बैक्टीरिया कंट्रोल, जो
बैड बैक्टीरिया बॉडी के ऊपर, जो बैड बैक्टीरिया वो निकलता है या उसको मार देता है बैक्टीरिया कंट्रोल। एंड नेचर केयर एक और प्रोडक्ट है जो डिस्ट्रेस करता है फिश को, फिश को काम रखता है, बॉडी पे म्यूकस बढ़ाता है। इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, उसमें भी एंटी बैक्टीरियल है मगर नेचुरल है। सो नाउ ये दो प्रोडक्ट आपने कितना दिन यूज किया या अभी तक यूज कर रहे? हमने बैक्टीरिया कंट्रोल 2 दिन यूज किया और 2 दिन के बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट जैसा क्योर हो गया, देन वी जस्ट कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट लेफ्ट ओवर डेज ओनली विद नेचर केयर सीट द एक्वेरियम सॉल्ट एंड वॉटर चेंजेस। सी नाउ अभी जो ये वीडियो दिख रहा है ये फिश का, इन 15 to 20 days ये ऑलमोस्ट उनका हेड वापस आया है, राइट, उनका कलर वापस आया है, फिन का शेप नजर आ रहा है जी, ऑलमोस्ट ये मैं एक 80% He's back in shape, cured बोल सकते हैं। Yes. But अभी भी इनका जो आंखों में cloudy eyes या मोतियाबिंद? No, the cloudy eyes we managed to clear it off 10 दिन के अंदर, वो clear हो गया। He started eating from the 9th day खाना खाना शुरू हो गया, मतलब infection खत्म होते ही खाना भी चालू हो गया, मगर अभी उसको दिख नहीं रहा। हाँ, तो खाना देख के नहीं कर, हमको उसको पैलेट पकड़ के उसके मुंह के पास ला के उसको देना पड़ता। ओके, तो वैसे उसको खिलाया दिन में पहले, तो शुरुआत उसने 1 या 2 ही पैलेट से किया, तो वो 2 पैलेट खाता गया, फिर उसने 2 दिन पूव नहीं किया, फिर ऐसे करते द थर्ड डे इज व्हेन ओके वी केम टू नो के नाउ ही पूप वेल एंड वी, हमको पता चला कि ओके अब उसका गट क्लीन सिस्टम साफ है, बट फिर भी अभी क्लाउडी आई निकल गए, बट नाउ ही इज गॉट दैट कैटरेक्ट इनसाइड, तो अभी भी उसको दिखता नहीं है, मगर अभी लाइक आफ्टर 3 weeks नाउ उसको एक आंख से थोड़ा दिखता है, तो अब वो हमारा मूवमेंट के सामने हाथ रखोगे तो उसको दिखता है थोड़ा ब्लर। सी जब कोई भी फिश इतना वीक होता है, पूरा का पूरा काला पड़ जाता है, पूरा का पूरा उसका बॉडी वीक हो जाता है, पेट अंदर चला जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है, जब क्योर होता है तो कोई इतना कोई साइड इफेक्ट होगा ही, राइट? ठीक है, एंड वन ऑफ द साइड इफेक्ट इज ऑफकोर्स द कैटरेक्ट, या जो कह रहे हैं मोतियाबिंद हम लोग जैसे कहते हैं, इज बिकॉज ऑफ वीकनेस। जब वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये प्रॉब्लम्स होने लगता है। ठीक है, मुझे तो ये फ्लारन को देख के ये वो जो नजरिया था वो डराना नजरिया था जब पे वो पूरा बीमार था, एंड अभी जो नजरिया है is so hard, I mean, transforming. Yeah, it's very, and feeling good, very touching, feeling, yes. Yeah, very touching. बहुत ही मतलब मन को अच्छा लग रहा है। मैं एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछता हूँ, यही फ्लावर ऑन है कि आप दूसरा कुछ दिखा रहे हैं? वही है सर, अभी भी हमारे फिश रूम में। ओके, क्योंकि हमारा पूरा रीजन वो शॉपकीपर को नहीं देने का उसके लिए था, क्योंकि अब हम इसको किसी को गिफ्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सर? अभी इसके क्योर में अभी आपने बोला कि ऑलमोस्ट ये पूरा क्योर हो गया है, थोड़ा बहुत वो कैटरेक्ट है, हो सकता है कि वो निकल भी जाए, हो सकता है ना भी निकले, ओके, वो सिचुएशन में है, बट अच्छा खाना देना और यू नो द राइट काइंड ऑफ मेडिसिन देना, या यू नो जो भी सप्लीमेंट्स देना, व्हाट डू यू सजेस्ट नेक्स्ट? वी जस्ट हैव टू गिव हिम, वी अभी हमें उसको सिर्फ अच्छा एनवायरमेंट देना कि वो अपने आप से भी लड़े, क्योंकि अब उसका स्लाइम डेवलप हो रहा है, वो अंदर से उसका मास वापस बिल्ड कर रहा है, वो अब वो होएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी भी साथ में हमको सपोर्ट करेगी, तो जाके वो क्लियर होगा। सो अभी सबसे इम्पोर्टेंट वही सेम रूटीन, डेली वाटर चेंजेस, नेचर के सॉल्ट, बस वाटर पैरामीटर हमको मेंटेन करके रखना है, बाकी अभी उसके ऊपर है। ओके, उसने इतना साथ दिया, थोड़ा और दे देगा? नहीं, ऑफ कोर्स, सी बिकॉज आपने मेरा वाला भी फ्लावर ऑन देखा है, मिस्टर शेरू भाई जी, ठीक है, वो आई मीन उसका उनका तो अलग ही स्टोरी है, फाइटर मैं बोलता हूं उनको, वो फाइटर है तो, एंड करते भी वैसा। सो आई थिंक एवरी एनिमल, कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, उसके अंदर वो हार ना मानने की क्षमता है। yes. उनके डिक्शनरी में हार शब्द ही नहीं होगा, नहीं, कोई हार नहीं मानता है, दे फाइट टू लिव, दे फाइट टू सर्वाइव, गिव अप नहीं करते, इंसान गिव अप करते हैं। सो दिस इज अ, यस सॉरी, आई विल, मैं ऐसा बोलूंगा ना, हम वो फिश के ऊपर गिव अप करते हैं, राइट, अगर वो फिश, अगर आप देखोगे तो हर मच्छी है ना आपको सिम्टम्स देगी, एक साइन देगी, जब वो बीमार होगा ना तो पहले वो आपको सिंबल, वो एक सिंबल देती है कि वो कोने में जाके बैठ जाएगी, थोड़ा उसका कलर डल होना शुरू हो जाएगा, तो वो बताता है आपको कि
there's something wrong with me. Correct. मगर हम नहीं समझते, फिर वो अचानक बीमार होगा, फिर हम बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर देते और फिर उसको भी नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए. नहीं, ये जानकारी सही है मोहिश भाई. दिस इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आई थिंक पब्लिक फिश खरीदने की चाहत एक स्टार्ट से दुकान में जाके वापस घर में आने तक वो पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज एक तरफ चाहत है लेने का, दुकान में उनको इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं मिलता बिकॉज ये लोग भी पढ़ के नहीं जाते. यस, दे डोंट रीड, होमवर्क नहीं करते. राइट, मैं हमेशा बोलता हूँ एक कार खरीदने के लिए 50 साइट देखते हैं, एक फिश खरीदने के लिए देख लो. राइट, थोड़ा होमवर्क कर लो. बट पेट ऐसा होता ना, जरे को इट्स अ लव. बहुत टाइम होता है ना कि हम भी, आप और मैं भी, कितनी बार चले जाते और अचानक हमें भी कुछ एकदम प्यारा लग जाता, हम बोलते नहीं बस ये चाहिए. तो पैशन, बट पैशन के साथ थोड़ा नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू गो एंड गेट इट. यस, तो आप अभी लेटेस्ट वीडियो देखो, क्लिप है, छोटा सा क्लिप है हमारे फ्लारान भाई साहब के जो मोइस भाई के ऑफिस में है. कितना सुंदर दिख रहे, कितना हैप्पी दिख रहे, कितना हेल्थी दिख रहे. ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. आप अगर फिश लेके आते हो तो अच्छा क्वालिटी का लेके आओ, और अगर बीमार भी है नॉट अ प्रॉब्लम, उसको सही ढंग से ट्रीट करो. ओके, जल्दी में मत रहना ट्रीट करने के लिए, जल्दी में मत रहना. वो बीमारी ठीक होगा बट आपको आराम से पेशेंटली काम करना पड़ेगा. मोहिश भाई जी सर, जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूं कि यू नो मुझे आज एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है ये वीडियो देख के, ये फिश का जो ट्रांसफॉर्मेशन देख के मुझे, मतलब यू मेड माई डे. बहुत वो मेरा दिल गदगद हो उठा है. इट्स एन ऑनर कि आपने वो देखा भी, यू नो यू इट्स कम टू योर नोटिस. सर मैं नहीं, ये यू नो ऑनर ऑफकोर्स आपका मेरा सबका है बिकॉज वी आर एबल टू बी इन दिस हॉबी एंड डू समथिंग गुड. यस, ठीक है, तो हमारे लिए अच्छा ही है. वी आर इन द राइट प्लेस, वी आर इन दैट काइंड ऑफ वर्क. करेक्ट. जाते जाते आप मेरे ऑडियंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कोई टिप्स देना चाहोगे? आई थिंक आप लोग अपना वाटर पैरामीटर से मेंटेन कीजिए, फिश को खिलाइए, मगर इतना भी मत दीजिए. अच्छा खाना दीजिए जो फिश के लिए हेल्दी. हाँ, लाइफ आयु का खाना दीजिए. एडवर्टाइजमेंट करूंगा ही ना. अच्छा खाना खिलाइए, समझिए उसको कितना चाहिए. आप अपना प्यार से उसको मत खिलाइए, उसको ओवरफीड मत कीजिए, उतना खिलाइए और पानी साफ दीजिए उनको बस, एंड दे विल लव यू बैक. ऑफकोर्स, ऑफकोर्स. सो मैं आशा करता हूं कि आप सबने इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखा, जाना, समझा. ये जो कॉन्वर्जेशन था मोहिश भाई और मेरा, दो हॉबीस्ट का कॉन्वर्जेशन है. ओके, ये याद रखो कि यहां पे ज्यादा एक्सपीरियंस कम एक्सपीरियंस वाला कोई नहीं है. ओके, हॉबीस्ट है हम दोनों, और डाउट है तो दिल खोल के पूछ लेने का. ये मत सोचना कि मैं ज्यादा यूट्यूब वीडियो बनाता हूं, ऐसा कुछ नहीं. अगर मुझे भी सीखना है तो मैं उनसे पूछता हूं. एंड ऑफकोर्स ये एक फ्लारान का यू नो लाइफ का जर्नी, इट्स सच एन अमेजिंग जर्नी. पूरा बीमार था, बैड सिचुएशन में था, एंड अब देखो कितना हेल्थी हैप्पी लग रहा है. यू नो एंड फैंटास्टिक जॉब में है मोहिश भाई, फैंटास्टिक जॉब. एंड जस्ट अमेजिंग बबल एंड डबल. हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, बट यस, हमने हमारे हॉबीज के लिए टू फॉर द सोसाइटी वी हैव अ डेडिकेटेड टेक्निकल सपोर्ट टीम. जरूरी नहीं है कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज किए, आपको प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप कीजिए एंड आवर टीम विल गाइड यू. नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या नीचे डाल दूंगा, आप देख सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो. कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, सिकनेस है, प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो. हेल्प करेंगे, उनका प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे फर्क नहीं पड़ता है. बट मैं कहता हूं कि नॉट बिकॉज मोहिश भाई इधर है, मैं इतना कहता हूं कि आप जो भी मेडिसिन खरीदने से पहले, अगर आपको लगता है कि मेरे को सीकेम का या कोई भी दूसरा मेडिसिन है, मेलाफिक्स, बीमाफिक्स, जो भी है खरीदना है, उससे पहले थोड़ा सा बबल्स एंड ट्रबल्स का आप होमवर्क करें, पढ़े कि कौन सा यू नो मेडिसिन मैच होगा, तो आपको पता चलेगा कि क्वालिटी भी बेटर है, प्राइसिंग भी बेटर है, एंड मोर एक्सेसिबल है, इजिली अवेलेबल है, एंड यूजर फ्रेंडली, एंड बेस्ट पार्ट मेड इन इंडिया है. सो यस, राइट. सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से, मोहिश भाई की तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सबको
थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नमस्ते. खुदाफिज. शबाखैर एंड सत श्री अकाल. बहुत जल्दी मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस. अभी हम मोहित भाई के साथ भी काम कर रहे हैं, तो और भी मजेदार वीडियोस, इंटरेस्टिंग आइडियाज, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, नए नए चीजें, ओके, नए नए प्रोडक्ट्स साथ में डेवलप करने का सोच रहे हैं. यस, तो ये भी होने वाला है. ओके, एंड बहुत कुछ होने वाला है. एंड वी कीप कमिंग विद टू शेयर मोर नॉलेज विद यू ऑल. ऑफ कोर्स. ठीक है, चलो. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.